गुड मॉर्निंग क्लास केजी। सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस। ईवीएस का आज हमारा सेकंड डे है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? चलो सभी बच्चे अपनी बुक्स निकालो, पिक्चर बुक, ये वाली आपको बुक्स लेनी है, बुक्स ले लीजिए सभी अपने अपने। और जिसमें हमने कल पढ़ा था माई सेल्फ, मतलब हमने अपने बारे में बात की थी कि हमारी हाइट क्या है, वेट क्या है, एज क्या है, बजट क्या है, हेयर कलर क्या है, फेवरेट फूड, फेवरेट कलर, फेवरेट आइसक्रीम एंड फेवरेट टीवी शोज के बारे में बात की थी। आपने अपना होमवर्क कर लिया। मैंने आपको कल होमवर्क में ये दो टेस्ट सर वाले दो क्वेश्चन दिए थे। नेम ऑफ योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, आपको अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का नाम लिखना था, जैसे कि डोरेमोन या कुछ भी। और आपकी तीन विशेष आपको लिखनी कि आपको क्या तीन विश चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा माय फैमिली। क्या रहेगा? माय फैमिली, ये वाला पेज नंबर 4 पे माय फैमिली। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का? माय फैमिली। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट एंड कजन्स, ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले फैमिली में कौन आते हैं? फादर। कौन आते हैं? फादर। तो यहां लिखेंगे हेड ऑफ द फैमिली फादर, ब्रदर मीन्स भाई। फिर है एस आई एस टी आर सिस्टर, सिस्टर मतलब बहन, क्या होती है? बहन, ठीक है ना। तो जो छोटी फैमिली होती है जिन्हें हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, उसमें बस यही होता है, मम्मा पापा भाई और बहन, यही होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे ये होता है शॉर्ट फैमिलीज, जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती है ना, उनमें होते हैं ये। यदि फिर आपकी बड़ी फैमिली होती है तो उसमें आते हैं और भी लोग, जैसे कि ग्रैंडफादर, जी आर ए एन डी, फिर एफ ए टी एच ई आर, ग्रैंडफादर।
अच्छा, फिर आती है आंट, ए यू एन टी आंट, आंट मींस चाची। फिर आते हैं कजन्स, पापा मतलब फादर मदर ब्रदर और सिस्टर्स ही आते हैं। लेकिन जब जॉइंट फैमिली होती है मतलब बड़ी फैमिली होती है तो ये सभी लोग आते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, जी आर ए एन डी एफ ए टी एच ई आर, ग्रैंडफादर मींस दादाजी। उसके बाद है ग्रैंड मदर, जी आर ए एन डी एम ओ टी एच ई आर, ग्रैंड मदर जो कि होती है दादी। फिर आते हैं अंकल, यू एन सी एल अंकल, अंकल मीन्स चाचा। फिर आती है आंट, ए यू एन टी आंट, आंट मीन्स चाची। फिर आते हैं कजन्स, चचेरे भाई या बहन, सी ओ यू एस आई एन कजन, और कजन्स मतलब चचेरे भाई या बहन। यदि आपका चचेरा भाई है तो चचेरा भाई मीन्स अंकल का जो बेटा है वो, और चचेरी बहन मीन्स अंकल की जो बेटी है। तो यदि आपकी बहन है अंकल की तो आप उसे बोलोगे कजन सिस्टर, यदि उनका बेटा है तो बोलोगे कजन ब्रदर। ठीक है, तो ये होती है फैमिली। तो फैमिली में कौन कौन होता है, फादर मदर होती है, और फिर बच्चे होते हैं ब्रदर और सिस्टर्स, फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, अंकल आंट और कजन्स। ठीक है ना, ये होते हैं। तो ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में, नोटबुक में, नोट को सी डब्ल्यू है ये आपका। चलो, तो आपको यही लर्न हो जाएगा, आप एक बार ही हम लिखेंगे बोल बोल के, ठीक है ना, अब हम हिंदी वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब एक बार और लिखेंगे बोल बोल के अच्छे से। तो बोलो एफ ए टी एच टी आर, फादर, एम ओ टी एच ई आर मदर, बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर, एस आई एस टी ई आर सिस्टर। ठीक है, फिर आते हैं ग्रैंडफादर, जी आर ए एन डी एफ ए टी एच ई आर ग्रैंडफादर। फिर आती है ग्रैंडमदर, जी आर ए एन डी एम ओ टी एच ई आर ग्रैंडमदर। फिर आते हैं अंकल, यू एन सी एल ई अंकल। फिर आती है आंट, ए यू एन टी आंट, क्या आती है आंट। उसके बाद क्या आता है, मैंने क्या बताया था, कजन्स, क्या आते हैं कजन्स, सी ओ यू एस आई एन एस कजन्स। ठीक है, तो चलो बोलो मेरे साथ एक बार और, एफ ए टी एच ई आर फादर, फादर मीन्स डैड पापा, एम ओ टी एच ई आर मदर, मदर मीन्स मम्मा, बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, एस आई एस टी ई आर सिस्टर, सिस्टर मीन्स बहन,
जी आर ए एन डी ग्रैंड एफ ए टी एच आर फादर ग्रैंड फादर मीन्स दादाजी जी आर ए एन डी एम ओ टी एच आर मदर ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर मीन्स दादी यू एन सी एल ई अंकल अंकल मीन्स चाचा जी ए यू एन टी आंट आंट मीन्स आंटी चाची सी ओ यू एस आई एन एस कजन्स कजन्स मीन्स आपके चाचा जी के बच्चे मतलब आपके भाई बहन चचेरे भाई बहन ओके तो ये आपका क्लास वर्क था अब तक अब हम करेंगे होमवर्क तो होमवर्क में आपको ये करना है करिए चलिए आज के लिए बस इतना ही बाकी का कल पढ़ेंगे थैंक यू।